राजकोट જિલ્લામાં કોરોનાની સંભવિત ત્રીજી લહેરને લઈને જિલ્લા પંચાયત દ્વારા એક્શન પ્લાન ઘડવામાં આવ્યો છે। જિલ્લામાં ત્રીજી લહેરનો સામનો કરવા માટે જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ ભૂપત બોદરના અધ્યક્ષસ્થાને વિવિધ સમિતિઓના ચેરમેન અને શાખા અધિકારીઓ સાથે બેઠક યોજવામાં આવી હતી। જિલ્લામાં ત્રીજી લહેરનો કઈ રીતે સામનો કરી શકાશે તેને લઈને પ્લાન ઘડવામાં આવ્યો છે। ग्राम्य कक्षाए घटता ऑक्सिजन सिलिंडर सेल काउंटर मशीन थर्मल गन वगैरह की ताकीदे खरीदी करने सूचना आपी देवामां आवी छे। तेमज राजकोट जिला पंचायत हेठना 54 प्राथमिक आरोग्य केन्द्र अपग्रेड करवा तेमज घटती जरूरी साधन सामग्री खरीदवानी पण सूचना अपाई छे। ग्राम्य विस्तार में वेक्सिन ने लईने जे अंधश्रद्धा हती ते पण हवे धीरे धीरे दूर थती जई रही होवानुं जिला पंचायतना प्रमुख भूपत बोदरे जणाव्युं हतुं। तो साथे ज ग्राम्य विस्तार में युवा वर्ग स्वैच्छिक रसी मुकावी रह्यो होवानुं पण जणाव्युं हतुं। गुजरात सरकार की गाइडलाइन है और माननीय मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी जैसे चिंता कर रहा है कि आता दिवसों में त्रीजी लहर आए तो एना अगौ आगोतरो आयोजन छू। ए रीते राजकोट जिला पंचायत एक प्रमुख तरीके बाकी अमरा चेरमेन सभ्यश्री और अमरा अधिकारी आरोग्य समिति टीम द्वारा कि आता दिवसों में कदाच जो त्रीजी लहर आए तो शूँ करवे एना काले अमे बैठक करी थी। बैठक की अंदर जरूर पड़े त्या साधनों खरीदी सेल काउंटर से ऑक्सिजन सिलिंडर से बाकी कई जरूरियात हो तो बधी अगाउ आगोतरू आयोजन 54 प्राथमिक आरोग्य केन्द्र है और CHC बार है तो तेनी अंदर आपणे शुं करी शकीए आवता दिवसों बेड की संख्या के रीते वधारी शकीए। ऑक्सिजन प्लांट जे अमे संसद सभ्य धारासभ्य ग्रांट आपी है तो एनी कामगीरी अत्यार सुधी क्या सुधी पहोंची है। ऑक्सिजन प्लांट क्या क्या CHC केन्द्र में लागशे अने हजी जरूर पड़े तो आगनी कार्यवाही माटे सरकार पासेथी कई रीते मदद मेळवी शकीए ए रीतनी काले संपूर्ण रीते अमे बैठक करी अने आगोतरो आयोजन करेल छे। वेक्सिनेशन ग्राम्य विस्तार में आज 18+ थवाता लगभग जगह अमरा केम्प पण थाय छे। केम्पनी अंदर 250-300 व्यक्ति वेक्सिन लेवड़ावे छे अने लोको स्वयंभू लाइन लगावे छे अने वेक्सिन ले छे आज आजनी तारीखे।